अब नेक्स्ट लेक्चर है वेरिएबल्स का। तो वेरिएबल क्या होते हैं? वेरिएबल को हम कोई भी जो है वैल्यू असाइन कर देते हैं, तो वही हमें प्रिंट कर देता है यहाँ जहाँ हमने डेटाबेस में सेव करनी होती है, जैसे भी उसका करना था वो करवा लेते हैं। अच्छा, तो सबसे पहले हम देखते हैं वेरिएबल। वेरिएबल क्या होता है कि, अच्छा वेरिएबल अब इंग्लिश के लफ्ज़ से स्टार्ट हो सकता है, उसको आप हिंदी के यानी 1, 2, 3 से स्टार्ट नहीं कर सकते, और उसके वेरिएबल के अंदर किसी किस्म की कोई स्पेस भी आप यूज़ नहीं कर सकते। अगर वेरिएबल के अंदर स्पेस यूज़ करेंगे तो वो वेरिएबल कंसिडर नहीं किया जाएगा। तो अब देखें, जब वेरिएबल हमने किया नेम, जिसमें कोई स्पेस हमने यूज़ नहीं की, तो उसके आगे हमने लिखा नाम। अब जो नाम लिखा उसको डबल कोट्स के अंदर लिखा। अच्छा, इस तरह वेरिएबल एक्स है, तो इसकी हमने वैल्यू दे दिया 100। और इको, इको मतलब उसको प्रिंट करवाया, यानी ब्राउज़र पे लिखो शो करवा दे। तो इको एक्स अभी देखते हैं ब्राउज़र में, इसको कंट्रोल एस करते हैं और रिफ्रेश, देखें सिर्फ 100 को शो कर रहा है, यानी कि इको हमें 100 को किया, तो उसने 100 को ही शो किया, कि वेरिएबल है। उसके बाद अब हम जो नाम है इसको भी शो कराना चाहना, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इको जो वेरिएबल का नाम दिया है उसको इको कराना पड़ेगा, जो हमने दिया है वेरिएबल नेम। तो इसको कर दें कंट्रोल एस, तो देखिए इको वेरिएबल, और उसका जो नेम हमने लिखा था वेरिएबल, तो वही नेम लिखेंगे हम, लिखेंगे नेम और वो नेम उधर शो करवा देगा। तो इस तरह वेरिएबल को हम कोई भी जो है वैल्यूज दे के उसको इको करवा सकते हैं, अपने ब्राउज़र में उसको शो करवा सकते हैं। यहाँ पे और भी आप लिख के देख लेते हैं, जैसे कि हम लिखते हैं डॉलर जेड इज इक्वल टू 200, ओके, और इको करवाते हैं इसे। तो डॉलर जेड कंट्रोल एस, तो अभी हम देखते हैं। अच्छा, अब ये एरर दे रहा है, लाइन नंबर 3 में एरर। अब देखते हैं एरर क्या आया लाइन नंबर 3। ओके, लाइन नंबर 3 में नहीं, लाइन नंबर 6 में एरर दे रहा है। ठीक है, ये एरर क्या, अभी देखते हैं इसको। एरर ये है कि यहाँ पे हमने जेड जो है कैपिटल लिख दिया, और यहाँ पे हमने स्मॉल लेटर में लिख दिया, तो यहाँ पे भी इसको कैपिटल ही करते हैं, सॉरी स्मॉल करते हैं, और इसको कंट्रोल एस करते हैं। तो अब इसको इको करवाते हैं, देखें अब उसने जो है सही शो कर दिया। अब जो वेरिएबल का नाम यहाँ पे देना है उसको सेम वही नीचे जो है जहाँ पे इको करवाना वो लिखना है, अगर कोई और देंगे तो वो एरर दे देगा। अगर यहाँ पे कैपिटल होता तो यहाँ पे भी आपको कैपिटल ही लिखना पड़ता था। तो इस तरह उसने एरर, अगर आप स्मॉल ऊपर कैपिटल लिख देंगे नीचे स्मॉल, तो वो एरर कोई ना कोई जनरेट कर देगा।